ये सबको फातिमा ज़ैनब आवाज आ रही है? यस सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था ज़ैनब बताइए, फातिमा तो चली गई थी पिछले क्लास में, आप बताइए कहाँ तक एनालाइज हुआ? सर एसिडिक स्ट्रेंथ पर रहे थे। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ पर रहे थे, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग एसिडिक करेक्टर की सारी बातें कर लिया था। अब देखिए जैसे अगर आपके पास, हम लोग अभी कंपेयर द, अब एक ही दफा लिख लीजिए कंपेयर द, दोबारा लिख लीजिए कंपेयर द, इसी में नई नई बातें हम लोग सीखें। अरे शिफत कलाम को मेरी आवाज आ रही है? शिफत कलाम प्लीज रिस्पॉन्स करें मैसेज के जरिए, अगर आवाज बोल सकती है तो बोलिए वरना मैसेज करिए। शिफत कलाम मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। ओके ओके। आप कहाँ क्लास रेगुलर करती नहीं है, आती रहती है जाती रहती है? शुरू का दो क्लास आपने लगातार किया, उसका लगातार आप जाती रहती हैं, एक भी क्लास आपको सही से नहीं हो रही है शिफत। आप शुरू की दो क्लास सही से क्या, उसके बाद से आप आती उतनी नहीं है सही से, क्या बात है? चलिए एसिडिक करेक्टर चेक करें सारे लोग। देखिए जब भी एसिडिक करेक्टर चेक करने ना आए तो आप उसका कंजुगेट बेस बना लें, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लें। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट। चलिए इसका हम कंजुगेट बेस बना दें सारे लोग चेक करेंगे। जब इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ O माइनस, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस है कि नहीं जल्दी बताइए। यस सर। तो ये यहाँ यहाँ आ जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस है, ये यहाँ यहाँ, इसमें फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इक्विवेलेंट बनेगा। ये देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है हर स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, समझा कि नहीं? एक नेगेटिव यानी फोर, एक तो ये खुद है समझा, एक तो आपके पास अदर से भी बनेगा, फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अच्छा करेंगे तो आप इसके लिए इसको हटा दें, अब आपको और अच्छे से आएगा। फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट जिसमें बनता है वो हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। याद रखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट अगर इक्विवेलेंट है तो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसमें तो दो ही बनेंगे। कैसे? सबका कंजुगेट बेस चेक करें, एक फिर ये यहाँ दो बनेंगे। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जिसका कंजुगेट बेस होगा तो इसको कहते हैं स्क्वायर इक्वेशन, स्क्वायर है ना, नाम से आता है स्क्वायर इक्वेशन। सबसे सल्फोनिक एसिड मेरा ये क्वेश्चन करने का तरीका याद रखें, जहाँ प्लस आई माइनस आई ना लगा पा रहे हो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, वो है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। आप बना लीजिए उसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिए, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट है,
होगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। अरे नबील इमरान को मेरी आवाज आ रही? नबील इमरान अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अरे तुम काहे नहीं बोल रहे थे पिछले क्लास में यार? सर पिछले क्लास में मैंने उससे पहले वाले क्लास में भी सर नेटवर्क उस दिन बहुत बुरे आ रहे थे, तो मेरी कनेक्ट ही नहीं हो, पता नहीं क्या हुआ, पूरे क्लास में ऐसी रह गई, ऑडियो ही नहीं हो पाई। चलिए आप पढ़िए, आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना हम कनेक्ट ही नहीं हो पाया। मुझे फिर तो अफसोस हुआ, पिछली वाली में ऐसी निकल गई पूरी। अफसोस क्या, मुझे भी अफसोस हुआ, आपकी आवाजें मेरी कानों तक नहीं आई। अरे सर अरे मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान होता हूँ, बेचारी ज़ैनब ही की वजह से मैं पढ़ाया हूँ, वरना मैं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अरे सॉरी सर, मैं क्या करता। ये शिफत कलाम भी रेगुलर नहीं रहती है, अब ये भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। टीचर अगर आवाज ना आए तो कम से कम मैसेज के जरिए रिस्पॉन्स करें, ऑनलाइन में ये कम से कम किया करें। रिस्पॉन्स ना समझ में आए वो भी लिख दें सर एक दफा, और समझ में आए वो भी बताइए। यस सर। चलिए लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना सारे लोग बताइए। यस। चलिए अब आइए कि एक हम नई चीज आपको समझाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्लीज ध्यान दीजिए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लिखिएगा नहीं, दो मिनट पहले सुनिए, और आपके पास ये मिथाइल है, और आपके पास ये सिंपल बेंजोइक एसिड है। सर वो लास्ट वाला लेक्चर रिकॉर्ड तो हो गया होगा ना, वो तो मैं देख लूंगा। हाँ आप इनसे ले लीजिएगा ना। ठीक है ठीक है। हम लोग इस अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मोर एसिडिक कौन है, तो आपको मालूम है मिथाइल ग्रुप में प्लस आई होता है, सबको मालूम है। हाँ यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी, प्लस आई भी है और हाइपर प्लस एच भी है। हाइपर कंजुगेशन सबको मालूम है ना, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन हाइपर कंजुगेशन तीन जगह पाया जाता है, सी प्लस, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी फ्री रेडिकल। एडजेसेंट कार्बन पे एसपी थ्री होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके एडजेसेंट अल्फा। यहाँ देखिए ये कार्बन एसपी टू है, ठीक, उसके एडजेसेंट कार्बन एसपी थ्री है, इस पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, ये तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेशन का नाम सुना है ना सारे लोगों ने? हाँ याना जल्दी बताएं। यस सर। चलिए आप देखिए, तो आप बताइए प्लस आई प्लस एच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है, जल्दी बताइए सर। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, वेरी गुड। लेकिन बेंजोइक एसिड के केसेस में ऐसा नहीं होगा, समझा, जान के हैरानी होगी कि यही मोर एसिडिक है। मैं ऑर्गेनिक में एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर में एक नई कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, उसको कहते हैं ऑर्थो आयरन। पूरे ऑर्गेन देखिए, जनरल व्यूज आपको तो मालूम होना चाहिए, सब 11 12 में पढ़े रहते हैं, लेकिन एसिडिक करैक्टर में और बेसिक करैक्टर को मिलाकर एक स्पेशल टॉपिक आपको जानना है। 90% आंसर आपका उसी से होगा जितना आप पढ़ चुके हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए एक कंसेप्ट आता है ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो अफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक में दो जगह पाया जाता है, एक बेंजोइक एसिड और एक एनिलीन चैप्टर बेसिक करैक्टर। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और से सुनिए, ऑर्थो अफेक्ट, सारे लोग समझे, नया टॉपिक है ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो अफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेरी बात और से सुनिएगा, लिखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होता है, यहाँ जी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हुआ इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। चाहे ये जी प्लस, यहाँ पर ये प्लस आई शो करे, माइनस आई शो करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे,
अगेन आई रिपीट, ऑर्थो बेंजोइक एसिड, पहले ऑर्थोपिक का स्टेटमेंट सुन लें, ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, पैरा बेंजोइक एसिड यानी अदर से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इफ एनी प्लस इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन। समझा कि नहीं? अब ऑर्थो पोजिशन कहाँ कहाँ होता है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको दो चीज के बारे में पढ़ना। सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड, अब रीजन भी बताएंगे आपको, पहले तो स्टेटमेंट लिखिए, ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड and orthometa benzoic acid, सबसे benzoic acid से भी orthometa से if G is electron donating group या electron withdrawing group, इसी को कहते हैं कि किस कॉल ऑर्थो, इसका explanation ये दे रहा है, किस कॉल सर ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में होगा? अभी बता, अभी तो आप बेंजोइक एसिड का पढ़िए फिर बताएंगे ना, अभी के लिए तो पहले बेंजोइक एसिड का आपने सीखा, कहाँ कहाँ इसके अलावा होगा वो भी बताएंगे। क्या सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं? जी सर। इसका एक्सप्लेनेशन, yes, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इट कैन बी एक्सप्लेन, नया कंसेप्ट फिर आप सोचेंगे, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत काम देगा एसिडिक बेसिस के अलावा भी बहुत काम देगा, मैं बताने जा रहा हूँ, द बेसिस ऑफ एस्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, इनहिबिशन रेजोनेंस, सो शॉर्ट फॉर्म में हम सर्फ SIR सर्फ, और तो आप एक एक्सप्लेनेशन है SIR बेंजोइक एसिड में जो भी ऑर्थो इफेक्ट होगा उसका एक्सप्लेनेशन है SIR, एस्टेरिक इनहिबिशन, एस्टेरिक माने रुकावट, बल्कियल ग्रुप रुकावट, रेजोनेंस का रुकावट, कैसे आप गौर से सुनो, पहले बेंजोइक एसिड का समझते हैं, उसके अलावा मैं लिस्ट बताऊंगा कौन कौन सा ग्रुप SIR शो करता है वो भी बताएंगे, पहले गौर से सुनो क्योंकि ये आपके पास बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो लार्जर ग्रुप है, उसके पास ये जी आ गया, जी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, विथड्रॉइंग हो, कुछ भी हो, जब हम इसका कंजुगेट बेस बनाए, कंजुगेट बेस बनेगा और COO माइनस वही है, ये बड़ा ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप दोनों के बीच में रिपल्शन होने की चाहिए, इसको तो बाद में देखेंगे, पर यहां से देखेंगे लार्जर ग्रुप है और जी दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए मैं फिर उस दिन के बाईफेनाइल का केस बताया था, सेम प्लेन में है, मेरी बात गौर से सुनिए, ये कार्बन और ये बेंजीन का कार्बन सेम प्लेन में है तभी तो रेजोनेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगेगा रुकावट, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगेगी, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा, पहले ये बेंजीन का कार्बन और ये कार्बन सेम प्लेन में था, देखिए बेंजीन का कार्बन जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया तो दोनों आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना ये अब नहीं होगा, इसलिए नाम पड़ा स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू बल्कियल ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड SIR, नॉट ओनली बेंजोइक उसके अलावा भी बताएंगे, बस SIR का मतलब पहले समझिए, रेजोनेंस का रेजोनेंस है, देखिए मेरी बात है, बेंजीन के अंदर अपना रेजोनेंस है, उस ग्रुप और बेंजीन के बीच रेजोनेंस है, यही पर कंपटीशन में दे देगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, अभी वो भी क्वेश्चन कराएंगे, तो SIR जानिए कंपटीशन का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीट और जी का, तो SIR का मतलब रेजोनेंस का न होना,
the inhibition of resonance. तो इसलिए याद रखिए किसके बीच में ना होना, बेंजीन एंड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में रेजोनेंस का ना होना वो क्या कहलाया, जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन, क्या कहलाया? अब देखिए कोई बोल नहीं रहे हैं. यस सर. क्या कहलाया? एस आई आर. क्या कहलाया? एस आई आर, रेजोनेंस. हाँ, एस्टेरिक. एस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब रेजोनेंस का ना होना. रेजोनेंस कंपाउंड में है, बेंजीन में, ये यहाँ ये वो तो है, उससे हमें मतलब नहीं है. बेंजीन और इस ग्रुप के बीच में रेजोनेंस का ना होना एस्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कहलाया. बताइए आया यहाँ तक समझ में? चलिए ठीक है. यस सर. अब हम ये समझने, अब हम ये समझ रहे हैं कि देखिए अब ये रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा. तो बताइए ये रेजोनेंस तो हो पाएगा ना, ये यहाँ यहाँ आया ना, ये तो रेजोनेंस yes, हो जाएगा ना. देखिए कंजुगेट बेस में ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ये तो रेजोनेंस हो जाएगा. देखिए और से सुनिएगा अच्छे से, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन भी अच्छा. आप देखिए आप बेंजोइक एसिड का एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लीज सुनिए. क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, देखिए उसका रीजन है क्यों ये मोर एसिडिक ज्यादा हो गया, चाहे यहाँ पर जी कुछ भी हो. देखिए इसका आप कंजुगेट बेस बनाइए, हम एक्सप्लेनेशन भी ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहे हैं. देखिए CO माइनस, ठीक है. अब यहाँ पर रेजोनेंस तो हो जाएगा ना. अरे बोलिए ना. हेलो एवरीवन, जैसे ये यहाँ होगा और ये yes, हो जाएगा. हाँ ये यहाँ हो जाएगा. तो अब बताइए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए. ये कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है. yes, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो बताइए, इसलिए मैंने यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है. कार्बन पर पॉजिटिव यहाँ, इसको ये भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस और ज्यादा होगा इसमें. लेकिन इसको कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं जल्दी बताइए? नॉन इक्विवेलेंट. ये एक पर नेगेटिव है, एक पर पॉजिटिव. यहाँ पर क्या है? नेगेटिव. दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव. और दूसरी रीजन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन भी हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए. तो बताइए बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है कि ऑर्थो बेंजोइक एसिड का ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताएं. ऑर्थो का ज्यादा स्टेबल है. या इसलिए केमिस्ट्री ने कह दिया कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आई आए, माइनस आई आए, कुछ भी आए, ये हमेशा मोर एसिडिक होगा अदर फॉर्म से. डिड यू अंडरस्टैंड? यस जी सर. अब वो भी हम सिखाएंगे कि कौन ऐसा ग्रुप है जो एस आई आर शो करता है. अभी तो बेंजोइक एसिड पर टारगेट करें. जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरे पास सुनिए, एग्जांपल फर्स्ट आपसे पूछा ये बेंजोइक एसिड है, प्लीज सुनिए, ये बेंजोइक एसिड है, ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास मेटा पर है, ये आपके पास पैरा पर है. देखिए कैसे आंसर देंगे. पहले आप जैसे बेंजोइक एसिड देखिएगा, इधर से इतनी दफा पढ़ लीजिए बेंजोइक एसिड है, एस आई आर का कंसेप्ट लगाना. यहाँ ऑर्थो पर आया तो प्लस आई प्लस एस तो है ही है, उसके अलावा ऑर्थो है. आंख बंद करके पहले इसको मोर एसिडिक बोल देंगे, पहले इसको छांट लेंगे, बी को छांट लिया. अब बाकी में एज यूजुअल केस लगाएंगे. मालूम है ना, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट लगाती है, ये भी रूल याद रखिए. मेटा पर सिर्फ मेटा पर रेजोनेंस अफेक्ट नहीं लिया जाता, ये ऑर्गेनिक का रूल है. अब क्यों नहीं, अब इतना डिटेल नहीं है, ये क्रैश कोर्स है. मेटा पोजीशन पर हम सिर्फ प्लस आई या माइनस आई लेते हैं, प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन नहीं लेते. अब यहाँ पर प्लस आई आया, प्लस एच आया, दोनों आया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो क्या हो जाता है, एसिडिक करेक्टर को कम करता है कि नहीं, जल्दी बोलिए. जबकि कोई कंफ्यूज करेगा, अरे इसमें प्लस आई क्यों नहीं गई, भैया ऑर्थो अफेक्ट है इसमें, SIR है, ऑर्थो अफेक्ट की वजह से ये मोर एसिडिक है. तो इतनी दफा पढ़ लेना है कि देखते ही दिमाग में आ जाए. तो बी के बाद बाकी में एज यूजुअल केस लगा, बी के बाद ए, फिर सी. समझ में आया? ये है SIR का फैक्ट. समझ में बात आ रही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है. हाँ, बहुत सारे. जैसे आपको ये दे दिया, मेरी बात सुनिए आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपके पास, दे दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे.
समझा। तो ऑर्थोआफिक पहला केस पर आप बेंजोइक एसिड में ऑर्थोआफिक, इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो सब मैं लिस्ट दे दूंगा, आप जुबानी याद कर लीजिएगा, उसके बेसिस पर एसिडिक करेक्टर के बेसिस अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पहले आंख बंद करके बेंजोइक है पहले ऑर्थोआफिक लगा दो, जबकि ये माइनस आई माइनस सेम भी है, यहाँ पर केवल माइनस आई है, यहाँ माइनस आई माइनस सेम है, तो पहले तो ऐसे भी बीम और एसिडिक होता है, माइनस आई माइनस सेम की वजह से होता कि नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑर्थो की वजह से हो ही रहा है, ऑर्थोफेक की वजह से भी होगा तो बी सबसे ज्यादा, उसके बाद एज यूजुअल, उसके बाद सबसे ज्यादा डी 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 के बाद चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, उसके बाद सी, उसके बाद ए, बाकी में एज यूजुअल, ऐसे इसमें ऑर्थोफेक भी ना होता फिर भी यही आंसर आता, लेकिन सतर्क रहना है हम हमेशा ऑर्थोफेक को कंसिडर करते हुए करेंगे। माइनस आई वगैरह में तो धोखा नहीं होगा लेकिन प्लस आई में धोखा हो जाएगा, इसलिए हम बेंजोइक एसिड में ऑर्थोफेक को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। अब आइए, जो आप लोगों को उस वक्त से परेशानी है कि सर सर बेंजोइक एसिड के अलावा कौन कौन शो करता है, तो और से सुनिए प्लीज, सुनिए सम लार्ज ग्रुप, सम लार्ज ग्रुप विच शोज एस आई, लिस्ट लार्ज विच शोज एस आई, आपके पास हो गया एनआर टू, समझा कि नहीं, पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपके पास नाइट्रो ग्रुप, आपके पास COR ester, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, याद रखने का तरीका जिसका वी शेप है, देखिए इसको हम वी शेप के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वी शेप हुआ कि नहीं, अरे बोलिए ना, या वी शेप हुआ कि नहीं, अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, यस सर, नहीं है ये ट्रिक्स याद रखिए, वी शेप जिसका हो, देखिए COCl, COCl, V shaped है इसका, COCl, आपके पास है anhydride, CO, anhydride group, समझा, ये शो कर सकता है, मस्ट नहीं बोलेंगे, कर सकता है अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आएगा तब, अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, जैसे मैं आपसे, अब जैसे कोई कहेगा ये बेंजोइक एसिड, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, क्या SIR होगा? नहीं, SIR कब होगा? जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर ग्रुप को आ जाए, बोलिए ना, समझ में बात आ रही है? हाँ, तो इसलिए याद रखिए NR2 जिसका V शेप, आप देखिए साइनाइड नहीं करेगा, क्यों? साइनाइड का लीनियर शेप होता है, सिराते मुस्तकीम है ये, सीधा रास्ता है ये, इस पर कोई SIR नहीं होगा, चाहे ऑर्थो पर बल्कि ही ग्रुप क्यों ना आ जाए, क्यों? मैं बता रहा हूं ना आपको, साइनाइड सराते मुस्तकीम है ये बिहारी, सीधा रास्ता, ग्रुप कहां क्यों मारेगा इस पर, नहीं होगा रिपल्शन, नहीं होगा, लीनियर है ये, लीनियर है ये, अरे बोलिए ना, आया समझ में? यस सर, आगे। हाँ, तो SIR जैसे कोई पूछ दे NO2 है, SIR होगा, NO2 शो करता है ना, देखिए लिस्ट में है NO2, देखिए OH लिस्ट में नहीं है, OH नहीं है, तो यहाँ SIR नहीं है, OH लिस्ट में है, OH का वी शेप होता ही नहीं है, OH का वी शेप है नहीं है, कैसे वी शेप बनाइएगा, तो इसलिए ट्रिक्स याद रखिए, जिस लार्जर ग्रुप भी हो उसमें वी शेप हो, वी शेप की तरह लिख पाए तो उसमें SIR लग सकता है अगर ऑर्थो पर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, समझ में बात आई? यस, मैं थोड़ा साफ करके और अच्छे से लिख देता हूँ मेरे साथ साथ, इससे पहले वाला सब लिख लिया था क्या? यस सर, अच्छा नो सर, अच्छा पहले लिख लीजिए तब मैं बताऊंगा, ये लिख, ये पहले यहां से शुरू कर, ये देख, जी सर तो हो गया, ये हो गया था,
यस सर लेट हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाद में अपना लिखना और क्रैश कोर्स में और ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी समझ रहे हैं ना स्क्रीन शॉट लीजिए घर पे दोबारा नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा है कि नहीं स्क्रीन शॉट ले लीजिए अरे बोलिए ना यस सर जी सर आप सुनिए पहला है कार बुक्स लिखिए हमें याद कराने का ट्रिक वी शेप क्या हो अच्छा एक मिनट लार्जर ग्रुप में कौन सा शेप हो जल्दी बताइए किसकी तरह हो वी शेप हो वी शेप लार्जर ग्रुप भी वी शेप जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखिए वी शेप की तरह लिख सकते हैं सी ओ सी एल हो एकदम सब में शक्ल देख लीजिए नाइट्रो हो ये है आपके पास सल्फोनी ग्रुप हो SO3 H है ना C आपके पास है E आपके पास amide हो amide ग्रुप हो आपके पास एस्टर हो आपके पास कौन सा ग्रुप मालूम है ना सी ओ एनहाइड्राइड ग्रुप बोलिए ना साइंटिस्ट सर इसको एनहाइड्राइड वाले को लिखते कैसे हैं मतलब ऐसे लिखते हैं सी ओ ओस लिखते हैं लार्जर ग्रुप को ना ना बिगर ग्रुप हो गया ना हेलो वो तो मैं याद करने के लिए वी शेप देता हूँ एक आध किस में वी शेप ना भी बने लेकिन लार्जर ग्रुप भी हो थोड़ा बड़ा वी शेप हो गया समझा चलो जी सर एनआरटी ये सब जो होता है कुछ और लिख लीजिए जो ये कब करेगा जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आए तो समझ रहे हैं मेरी बातें यस सर जी सर अब हां अब आइए ये लिख लिया होगा अब आइए सम स्मॉल ग्रुप एंड लीनियर ग्रुप लीनियर का मतलब जिसका शेप लीनियर होता है लीनियर which do not show sign. ROH है NH2 है CN है ये सब F है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन ये सब के ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी आ जाएगी किसी सब शो नाम याद रखिएगा एस्टेरिक क्राउडिंग एस्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सम ग्रुप ये भी लाइन की सम ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड
देखिए कहा गया था ना स्टडी करा नॉट गेट, जैसे हाइड्रोजन का स्टडी करा नहीं होगा, ड्यूटेरियम का नहीं होगा, ड्यूटेरियम का नहीं होगा, फ्लोरीन का नहीं होगा, ये सब का नहीं होगा, ओ आर का नहीं होगा, ये सब का एस्टर। जैसे मैं इस मिसाल देता हूँ, यहाँ सुनिए, जैसे मिसाल देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बोलिए हाँ या ना, है ना। अब हमने इसके पोजीशन पर फ्लोरीन लग गया था, अब यहाँ पर ऑर्थो अफेक्ट नहीं लेना है, ये कहने का मतलब नहीं है। स्टडी क्राउडिंग सब यूज नॉट कंसिडर, इतना स्मॉलर है इस दोनों के बीच में अब स्टडी क्राउडिंग नहीं होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना, हेलो एवरीवन, यस सर, ये कहने का। इसलिए याद रखिए कि ये सब ग्रुप तो होना ही चाहिए उसके ऑर्थो पोजीशन पर, बल्कल ग्रुप हो और बल्क, ये सब लिस्ट याद रखिए कि इन सब का, ये सब अगर ऑर्थो पर आ गया, इन तमाम में से किसी के भी ऑर्थो पर ये आ गया, इसका हम स्टडी क्राउडिंग कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। yes. तो इसी वजह से ऑर्थो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है। जैसे पता है कि शानदार टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेंजोइक एसिड मतलब मिथाइल, एक ये है भी बेंजोइक एसिड, आपसे पूछेगा मोर एसिडिक। उसके अब देखिए NO2 है यहाँ पर, NO2 में क्या होता है अफेक्ट, माइनस आई माइनस एम होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस। अब देखिए NO2 के रेस्पेक्ट, देखिए सारे लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर बल्कल ग्रुप आ गया कि नहीं, मिथाइल इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, आया गया। yes. अब ये SIR शो करेगा तो हम NO2 का केवल माइनस आई लेंगे, रेजोनेंस अफेक्ट नहीं लेंगे, अब इसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा। साइनाइड के लिस्ट में देखिए साइनाइड शो ही नहीं करता है, तो यहाँ पर साइनाइड का माइनस आई माइनस एम दोनों लेंगे, इसलिए मोरस। जबकि NO2 ज्यादा पावरफुल होता है साइनाइड का, लेकिन केवल माइनस आई होता है, केवल माइनस आई माइनस आई, केवल माइनस आई लेंगे, क्यों, SIR की वजह से। ये सिर्फ नहीं देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में, ये NO2 के रेस्पेक्ट में भी तो SIR देखेंगे। अरे बोलिए ना, NO2 के रेस्पेक्ट में भी तो ऑर्थो पर है दो ग्रुप, अरे बोलिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। और ऐसे भी कोई SIR नहीं होगा फेनॉल में, एज इट इज सारा रूल बताएंगे, समझ में बात आ रही है कि नहीं। हेलो एवरीवन, जैसे अगर आपके पास हाँ OH है, इसमें कोई SIR नहीं होता, चाहे कोई भी होता है, SIR कार्बोक्सिलिक ग्रुप NO2 जो लिखाया गया यहाँ पर, मिथाइल है, इसमें भी दो तीन एग्जांपल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। OH है आपके पास, CH3 है, ये है आपके पास OH है CH3। अब आइए फिर भाई बात, आप भाई चेक करेंगे प्लस आई प्लस एच है, यहाँ पर केवल प्लस आई है, यहाँ पर प्लस आई प्लस एच है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, क्यों, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, यहाँ थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, तो देखिए ए मोर एसिडिक, कोई प्लस आई नहीं है। और उसके बाद सी, सी में सिर्फ प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और बी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन बी में ज्यादा बढ़ी चूंकि प्लस आई नजदीक है तो ज्यादा बढ़ी, प्लस एच डिस्टेंस पर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन प्लस आई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो एसिडिक करेक्टर को और कम करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर।
ये वाले सबको समझ में आया नदील? जी सर जी सर। सर मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना? जी मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है प्लस आई के जरिए भी प्लस एच के जरिए। प्लस का मतलब होता है डोनेटिंग। आगे बढ़ें जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा क्योंकि ये तो आपको बोर्ड में भी था फेनॉल का एसिडिक करैक्टर। ये आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए मेरे सभी को ऑर्डर चेक करके बताइए ए बी सी डी में ऑर्डर लिखकर दिखाइए प्लीज। चलिए ठीक है यहाँ देखिए सारे लोग यहाँ माइनस आई माइनस एम दोनों हैं कि नबील नबील का आंसर दे एबीडीसी क्या मतलब है। यहाँ देखिए माइनस आई है सर फर्स्ट वाले का हम श्री वो बता रहा हूँ मतलब फर्स्ट वाला क्या है मोर एसिडिक लेस एसिडिक क्या बोल रहा है ये सबसे लीस एसिडिक है मेरे भाई। यहाँ देखिए सारे लोग देखिए प्लीज सर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ए बी डी सी ए बी डी सी डी सी ए बी डी सी। अच्छा ठीक है ए के बाद बी आया अगर आएगा भी तो ए के बाद सी आएगा मेरे भाई। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट रही है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है यहाँ भी घट रही है दोनों घट रही है ये ज़्यादा नज़दीक है कि मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों ने आंसर सही नहीं दिया। अब ये इसका तो और लिस्टिंग एनसीईआरटी के खुद टेबल में जाके देखिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में और वो नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक है लेकिन यहाँ पर इसकी एसिडिक करेक्टर सब कम हो जाती है पैरा से क्योंकि जैसे एच निकलना चाहता है हाइड्रोजन बॉन्ड इसको रोक देता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं आपको कोई रोक दिया तो एच रिलीज नहीं हो O nitrophenol becomes less acidic than P nitrophenol due to the intramolecular hydrogen bond. Hydrogen bond इसको रोक दिया और सिर्फ इसमें 0.1 का फर्क है pKa की वैल्यू में। आप लिस्ट देखिए जाकर 12th NCERT में सिर्फ 0.1 का आंसर फर्क है। रोना चाहिए था और तो लेकिन मोर एसिडिक हो जाएगा डी फिर बी फिर सी Why? Due to intramolecular hydrogen. This example is very important. Due to intramolecular hydrogen bond. की वजह से देखिए H को पकड़ लिया H plus थोड़ा सा मुश्किल से रिलीज होगा as compared to जबकि ये नजदीक है मैंने एरो भी बना दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट हो रही है H निकलना चाह रहा था NO2 कहा रुक जाओ थोड़ी देर इसलिए पैरा के डाइट में लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है 0.1 का डिफरेंस है उसकी pKa वैल्यू में। सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। ये एग्जांपल तो हाँ ये एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है खास ध्यान। अब आइए यहाँ ओ मिथॉक्सी यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस आई है और प्लस एम की क्या पहचान होती है कि ये टेम्पर लोन पे प्लस
अब बताइए माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा प्लस एम दे रहा है, तो आपको मालूम है रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होता है, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ केवल माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यहाँ भी वही हाल है कि माइनस आई है प्लस एम है, यहाँ भी प्लस एम का पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए आप यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक सी को कहेंगे फिर ई। मेन कंसेप्ट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटना बढ़ना, ये निकालिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटना बढ़ना भी किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ आपको प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम और हाई पर कंजुगेशन आए, ये नहीं आएगा तो फिर आपको टीचर लाख पढ़ा दे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, इलेवेंथ में पढ़ा ट्वेल्थ में पढ़ा हर जगह पढ़ा, तो सबसे ज्यादा सी। अब आइए बी और डी में कौन है, तो बी और डी में बी है क्योंकि ये नजदीक है तो माइनस आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है पैरा पर, यहाँ थोड़ी कम है इसलिए डी है। बताइए सबको समझ में आया, हेलो एवरीवन, रेजोनेंस ऑलवेज, अच्छा ये रूल आप सबको मालूम है ना, एक बार सुनिए शायद मालूम है कि नहीं, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, मालूम है ना ये सर, ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़ो, सुन ले अच्छे से, इन द केस ऑफ हैलोजन ये सुनिए, क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं है तो उससे पहले में पढ़ेंगे, रीजन से बता चुका, हैलोजन में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, हैलोजन रहेगा तो उसका माइनस आई ज्यादा लेंगे, सबका रीजन है सुना सारे लोग, रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन को छोड़कर, सुना yes, नहीं सुना yes, सब आपको मालूम होना चाहिए, क्रैश कोर्स ने इतना रीजन के साथ बताया, सर पैरा पोजीशन जो है वो मतलब दूर होती है मतलब फिर भी ज्यादा वो होती है क्या कहते हैं एसिडिक, मतलब उसका इफेक्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं वो एसिडिक हो भी सकती नहीं, यहाँ पर इसलिए बी बी है ना मोर एसिडिक, बी इसलिए ज्यादा है कि माइनस आई नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएगा, यहाँ दूर है कम घटाएगा, अच्छा अच्छा, आपको इस दफा इस तरह नहीं रखना कि पैरा पैरा की एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो भी सकती नहीं, नहीं भी हो सकती, समझा कि नहीं, ठीक है तो ठीक है, वो डिपेंड करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींच माइनस आई होगा तो ऑर्थो का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा, अगर प्लस आई होता तो फिर डी ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि दूर है या नजदीक है, ये दूर और नजदीक को देखते हैं, माइनस आई को चेक करना, माइनस आई जिसके नजदीक रहेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, ये लिख लिया आप लोगों ने yes. जी सर, लिख लिया बोल ही नहीं रहे, लिख लिया जी सर, लिख लिया, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को यस सर जी सर, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, वो बहुत ही आसान, आप देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि इसका दिमाग ज्यादा चलता है, यहाँ देखिए ये आपके पास फेनॉल है, हमने यहाँ बल्केल ग्रुप लगा दिया और यहाँ एन मिथाइल लगा दिया,
ज़ोन किया है। चलिए बताइए मोर एसिडिक कौन है, ये चेक कीजिए सर। सर ये राइट वाला, तो ये ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक है? बी वाला। अच्छा बी, भाई सर क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है ए वाले में, इसमें तो है ही नहीं तो वो, मगर अच्छा ये जेनेटिक ग्रुप जो है। अच्छा यहाँ देखिए ओएच के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर मिथाइल है तो यहाँ तो कोई एसआईआर नहीं है जी, ठीक है यहाँ ठीक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर एसआईआर है, जब एसआईआर है तो इसका प्लस एम नहीं लगेगा, यहाँ केवल माइनस आई लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस एम नहीं लेंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना, एसआई यहाँ तो एसआईआर होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस एम है, माइनस आई भी है लेकिन लोन पेयर की वजह से प्लस एम भी है, रेजोनेंस में जाएगा इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ओ एच के नजदीक, ये बिहारी घटा रहा है। तो देखिए एसआईआर का कितना, एसआईआर ओएच में नहीं है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो है ना एसआईआर। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, तो इसका प्लस एम यहाँ नहीं लगेगा तो कोई कंफ्यूज करे, अरे यार तुम यहाँ प्लस एम लिख रहे हो, यहाँ इसी का नहीं लिख रहे हो, तो क्यों लिखेंगे, यहाँ एसआईआर है, एसआईआर में इसके और इसके बीच में रेजोनेंस रुक गया, कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना सर, एक बार और बता दीजिए। हाँ यस क्या बता दें, यहाँ एसआईआर है ना यार, एसआईआर हो गया ना, इसका प्लस एम नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, केवल माइनस आई होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई होगा, यहाँ क्या होगा, एसआईआर नहीं है तो रेजोनेंस तो होगा ना, तो प्लस एम हो गया। प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, बढ़ा देगा तो एसिडिक करेक्टर कम होगा। भाई ये तो एसआईआर शो कर रहा है ना ऑर्थो के रेस्पेक्ट में, जल्दी बोलो। जी सर जी सर जी सर, इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी तुमको नहीं आ रहा अभी तक, तो यहाँ एसआईआर इसके रेस्पेक्ट में लगेगा, ऑर्थो का तो एसआईआर लगा नहीं, यहाँ तो कोई एसआईआर है नहीं तो यहाँ प्लस एम लगेगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है तो एसिडिक करेक्टर कम हो गया, यहाँ एसआईआर की वजह से इसका केवल माइनस आई लगेगा, यहाँ भी एसआईआर होगा तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। यस सर। तो चलिए तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर खत्म, अब आइए बेसिक करेक्टर। बेसिक करैक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, गौर से सुनो। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सारे लोग क्या क्या चीज को दिमाग रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी बेसिक करैक्टर। दूसरी बात स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, यहाँ कंजुगेट एसिड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की, वो जरूरी नहीं है, हम कहेंगे राइट द ऑर्डर ऑफ केबी, केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना मोर बेसिक होगा उसका केबी भी ज्यादा होगा। अब आइए इसे, इन सब के बाद हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, ये तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, बेसिक करेक्टर को बढ़ाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस एच। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। जी सर। सर ये है तरीका बेसिक करेक्टर को देखने का, बेसिक करेक्टर में यही देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जितना लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा। आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। जी सर।
जैसे अगर आपको कोई कह दे अमीन है यहाँ पर आपके पास, यहाँ आपके पास अमैर है, चलिए इसी दोनों में बताइए मोर बेसिक कौन है। हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को देखें, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ देखिए प्लस आई या फिर बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन पर, और यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है, जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर घटेगा कि नहीं नाइट्रोजन पर, अरे बोलिए ना। यस सर श्री सर, हाँ बोलिए बोलिए, किसी को पूछना है क्या बोला? यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है ना, लोन पेयर बढ़ रहा है ना प्लस आई की वजह से, और यहाँ रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है कि नहीं? यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ इजिली अवेलेबल नहीं है क्योंकि डीलोकलाइज हो, इसको ये भी याद रखिए लोन पेयर इज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है कहीं पर मतलब टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, वहाँ बेसिक करेक्टर दिखती है टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, तो वहाँ बेसिक करेक्टर क्या होगी सारे लोग बताइए? डिक्रीज। यस देखिए लोन पेयर घट रहा है, दिखने में तो लोन पेयर है लेकिन बिहारी को ये खींच रहा है, डीलोकलाइज्ड हो गया, घूम रहा है हर तरफ, इसलिए बेसिक करेक्टर घट गई, इसलिए अमीन अमाइड से मोर बेसिक होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बताइए सबको समझ में आया? यस सर। यस यस जी, वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। क्लियर तो बताइए सारे, क्लियर? जी सर। देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है लेकिन ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा इस पर। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है और ये लोकलाइज्ड है, सब लोकलाइज्ड है, सब लोकलाइज्ड, एल का मतलब लोकलाइज्ड, यहाँ भी लोकलाइज्ड। अब बताओ यहाँ A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। D है। यस सर रेजोनेंस हो रहा है। सबसे कम इस बेसिक तो D, सबसे मोर बेसिक जो होगा वो A होगा। A होगा फिर C। A के बाद कौन होगा जल्दी बताओ? A के बाद मोर बेसिक B फिर C फिर D। देखिए A के बाद B क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन पर का भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोकलाइज, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है बिहारी वो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन sp थी, और जहाँ s करैक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, याद रखिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करेगा कि वो बेसिक करैक्टर को, वो लोन पेयर को की अवेलेबिलिटी को घटाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, s करैक्टर ज्यादा है, यहाँ देखिए सारे लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आसानी से लोन पेयर दे सकता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, अच्छा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पर, ये जो लोन पेयर है वो sp3 पर है, अरे बोलिए ना। हेलो एवरीवन, और आपने नहीं पढ़ा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लोन पेयर को वो जाने ही नहीं देगा, बेसिक करैक्टर का मतलब हुआ कि लोन पेयर आसानी से दे,
डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड मोर बेसिक. यहाँ पर लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है, याद रख. अगर लोन पर sp3 पर है, लोन पर sp2 पर, इसलिए मैंने कह दिया ना कि लोन, ये लाइन जो लिखा है मैंने, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, आसानी से अवेलेबल, आसानी से तो तीनों पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देना चाह रहा है लेकिन बखीलपना है, लोन पर सही से नहीं दे रहा है, यहाँ तो डीलोकलाइज्ड ही हो रहा है. समझ में बात आई? हेलो एवरीवन. यस सर. आगे इस तरह हम लोग देखें. दिक्कत तो नहीं हो रही है? सबको समझ में आ रहा है भाई? अरे नवीन बताओ ना यार तुम. अरे जी सर बिल्कुल बोल. अब देखें सर, एक बेसिक सा वो था पूछना. हाँ बोलिए सर. तो ये प्लस आई माइनस आई होता है और प्लस एम माइनस एम होता है सर, एक बार मतलब ये बता देंगे दोबारा? मतलब मुझे पता तो है बट थोड़ा वो हो रहा है इसमें. क्या हो रहा है उसमें? क्या बताएं, क्या बताएं सर? मतलब नहीं उससे एकदम से मतलब पहचान कैसे लेते हैं एकदम से? आप देख के एकदम पहचान लेते हैं प्लस आई कौन होता है? एनायनिक स्पीशीज और अल्कालिन, ये दो प्लस आई होता है. ओ माइनस प्लस आई है, एफ माइनस प्लस आई है, सीओ माइनस प्लस आई है, अल्काइल ग्रुप प्लस आई है, टर्शियरी कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई है. माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये कौन कौन होता है? केटायन स्पीशीज. अब मैं कितना लिखवाऊं भाई, सब तो आना चाहिए पहचान में, क्यों नहीं आ रहा भाई? विटानिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है. जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड कीटोन ये सब, बी है एस करैक्टर. एस करैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ. चार तरीका है पहचानने का. प्लस एम की पहचानने का तरीका क्या है? पहली बात रेजोनेंस हो और की एटम पर लोन पेयर हो. की एटम पर, की एटम कंटेन्स लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज. जैसे यहाँ देखो बेंजीन है, NH2 है, ये प्लस एम शो किया. देखो की एटम पर लोन पेयर है, रेजोनेंस शो किया. प्लस एम का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, रेजोनेंस के थ्रू देना. तो प्लस आई और प्लस एम दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन फंक्शन अलग अलग. ये रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी पहचान है कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज. ठीक है सर. माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसका भी काम है, लेकिन इसके की एटम पर लोन पेयर नहीं होगा. इसमें भी जितना एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइड है, ये सब अगर अलग. अब एल्डिहाइड में दोनों अफेक्ट पाया जाएगा, माइनस आई भी माइनस एम. अब NH2 में कोई पहचान के बताओ कौन सा अफेक्ट है? तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई. की एटम पर लोन पेयर है, प्लस एम. ऐसे पहचानते तो आप देखिए, आपने हर जगह पढ़ाई होगा तो आप नहीं आएगा तो आप इस कहीं नहीं सही से समझ नहीं पाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक खराब हो जाएगी. ठीक है सर. तो देखिए आप घर देखिए देखिए जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. देखिए हाँ, अब यहाँ देखें प्लस आई माइनस आई को देखना है. क्रैश कोर्स में कितना लोग पढ़ाएगा भाई, टाइम बहुत है. तो क्रैश कोर्स के तो सख्त खिलाफ रहता, और मुझे मजा ही नहीं आता क्रैश कोर्स पढ़ाने में. बच्चों को पूरी नॉलेज दी जाए वो मुझे अच्छा लगता है. क्रैश कोर्स क्या है? नथिंग है, नथिंग नथिंग. आई हेट क्रैश कोर्स वेरी मच. कोई मजा नहीं आता पढ़ाने में, तो कुछ ही ऐसे पढ़ाया जाता है. आई हेट वेरी वेरी हेट क्रैश कोर्स. नो अरे बोलिए ना जी सर. ये बात तो है, ये बात तो है. यस टीचर कितना लोग, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता क्रैश कोर्स में अच्छे से. क्या करेगा, कितना नॉलेज देगा क्रैश कोर्स. चलो यहाँ देखिए, क्रैश कोर्स सिर्फ उसके लिए जिसको बहुत पूरा आता है बस. एक क्रैश कोर्स का मतलब है कि हर चैप्टर का ये 20-20 क्वेश्चन करा दीजिए बस, दिस इज कॉल्ड क्रैश कोर्स. थ्योरी कुछ नहीं, आइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. आप एक एक चैप्टर को पढ़ाने क्रैश कोर्स में जाएंगे तो कभी सिलेबस दो महीने में दो साल का सिलेबस खत्म हो जाएगा. तरीका यही है सबका, क्रैश कोर्स का अंदर होता है कि
बच्चों को सब कुछ आ रहा है, बस आप प्रीवियस ईयर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के उसकी उसको रिवाइज करा के सिर्फ आके 25-30 क्वेश्चन उस चैप्टर का करा दिए, आप दिन एक एक चैप्टर करा दिए, उसको कहते हैं क्रैश कोर्स का मतलब ही नहीं है, पढ़ाई का मतलब ही नहीं है इसका। चलिए इसमें मोर बेसिक बताइए, चलिए आप लोन पर बताइए, ये लोन पर डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है, डीलोकलाइज्ड है या बताइए ये लोन पर डीलोकलाइज्ड है, ये वाला तो नहीं है, इसके बराबर में है ना, ये वाला लोन पर डीलोकलाइज्ड है, सारे लोग बताएं, फर्स्ट वाला ए वाला है सर, देखिए की आइटम पर लोन पेयर हो, याद रखो सारे लोग सुनो, रिंग में किसी पर लोन पेयर हो डायरेक्टली डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे नहीं है, यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, तो कोई कह सकता है ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर ये भी तो है, लेकिन नहीं, नाइट्रोजन रिंग के अंदर सुन लो अच्छे से, अगर की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट ऑन की एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए नाइट्रोजन ना इधर से ना इधर से किसी से भी डबल बॉन्ड, I repeat, lone pair present on key atom attached to double bond in ring, ये delocalized नहीं, अगर delocalized हुआ ना, यहाँ भी double bond है, यहाँ भी double bond है, तो sp hybridized हो जाए, और sp का shape होता है linear, क्या ये linear है? Possible नहीं है सर वो। हाँ linear है, तो repulsion इतना होगा कि break कर जाएगा sir। That the reason ये lone pair localized है। यहाँ पर भी लोन पर देखो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है, लोन पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट कर लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड, यहाँ भी लोकलाइज्ड, सबसे ज्यादा तो डी है, उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, हाँ बताइए बी है कि सी है क्या है, सर बी के बाद बी है और बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा बी डी उसके बाद सी कहेंगे ना, चूंकि लोन पर ज्यादा हो गया ना, इसका भी लोन पेयर सबका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ओके, अरे सबको समझ में आया बोलिए ना, हेलो एवरीवन, यस सर ठीक है, अब आइए जो सबसे मशहूर क्वेश्चन है कि इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अब तक वो मैं आपको बता देता हूँ, तो हो गया कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अब देखिए क्वेश्चन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, लिखवा भी देता हूँ, ये नाम याद रखिए, केस ऑफ इमिडीन, इमिडीन एक नाम याद रखिए, ये नीट और जी दोनों में पूछ चुका है, और इमिडीन का स्ट्रक्चर याद रखिए, सी एस सी सी डबल बॉन्ड एन एच और एन एच टू, दिस इज कॉल्ड इमिडीन, ये एन एच टू इस स्ट्रक्चर को एकदम आंखों से दिमाग से, अब यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर आपको अच्छा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन दे सकता है, इसका नाम रख सकता है ए और बी, कहेगा ए और बी में कौन एच प्लस को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, कोई बात नहीं है हम दोनों पर कराते हैं, अब फिर चेक करते हैं, देखिए सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड इस पर अगर एच होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ एच ये ना, हेलो एवरीवन, हो रहा है ना रेजोनेंस, यस सर हो रहा है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, माइनस टू माइनस टू प्लस, जानते हैं क्या हुआ, टू
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, यहाँ भी पॉजिटिव है नाइट्रोजन में, यहाँ भी नाइट्रोजन का पॉजिटिव। लेकिन अगर इस वाले पर ऐसे लोन पेयर तो हम कहां ले, लोन पेयर को लेंगे तब ना गलत होगा, हम लोन पेयर को नहीं ले रहे भाई, डबल बॉन्ड को ले रहे हैं ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर। ये इसलिए नहीं होगा कि अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन पांच बॉन्ड बना लेगा, 3-2-5 हो जाएगा, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सुना सारे लोग, नाइट्रोजन हमेशा 3 या 4 ही बॉन्ड बनाता है। yes. इसलिए यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। तो बताओ ए बी पर प्रोटॉन का एक्सेप्ट ज्यादा अच्छा है कि ए पर, जल्दी बताओ सर क्या चीज, एक बार बता दीजिए सर। बी पर, बी पर तुम सुनते उनते नहीं हो, तुम खाली रिपीट करवाते हो। यहाँ देखो प्लीज, यहाँ देखो बी, बी आसानी से एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है ना एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि बी से एक्सेप्ट करने से फायदा ये होगा कि यहाँ ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। इससे ये साबित हुआ कि ये वाला बी मोर बेसिक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये वाला लेस बेसिक है। क्लियर है? आप सुनो, एमीडीन और अमीन में अगर एमीडीन, आप सुनो अच्छे से, तुम्हें अगर क्वेश्चन दे दे, ये तो आपके पास हो गया, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दे CH3 CH2 CH2 NH2 अमीन है, ये है एमीडीन दे दे, तो आँख बंद करके आप कहोगे कि भाई एमीडीन स्ट्रॉन्ग बेस्ट है। क्यों? इसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल हो रहा है कि नहीं, एच प्लस एक्सेप्ट करने के बाद देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। अभी मैंने लिखवाया था ना बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ए और बी डिनोट करके पूछेगा, दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो कौन लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है, आसानी से डिनोट करेगा तो बी, बी वाला नाइट्रोजन मोर बेसिक है, क्योंकि बी वाला नाइट्रोजन अगर मोर बेसिक है तभी तो इसका कंजुगेट एसिड है, अगर ये ज्यादा बेसिक होता इसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। एमीडीन और अमीन में मुकाबला होगा तो एमीडीन इज मोर बेसिक देन अमीन, बिकॉज एमीडीन का कंजुगेट एसिड जो है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस यस सर। थैंक यू। लिख लिया आपने? आगे पर हैं? यस सर। अब आइए दूसरा केस, दोनों फिर दोनों को मिलाएंगे। केस ऑफ गोनिडीन याद रखिए, गोनिडीन पूरे पूरे ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है गोनिडीन। इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटर्स, इसको देखो कैसे पहचान लेंगे इसका स्ट्रक्चर गोनिडीन का। गोनिडीन में क्या होगा, CH3 की जगह NH2, बाकी सब एमीडीन की तरह होगा, बस याद रखने का तरीका। ठीक समझ में आया? यहाँ CH3, यहाँ CH3 बस है, यहाँ CH3 की जगह नहीं, बस दोनों का स्ट्रक्चर ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है ना। हेलो एवरीवन, गोनिडीन एमीडीन का फर्क समझ में आया? सिर्फ CH3 का फर्क है, वहाँ NH2, यहाँ NH2 रहेगा, वहाँ NH2 की जगह CH3 रहेगा, बाकी भी। अब देखो तुम क्या करो, अब ये तुम डायरेक्टली बता सकते हो एच प्लस कहाँ पर एक्सेप्ट होगा इस वाले नाइट्रोजन पर, अब तुम इसका कंजुगेट एसिड बना दो। ये यहाँ फिर ये यहाँ, तो देखो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक तो ये खुद है, एक दूसरा ये है और तीसरा इधर से, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग बना कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ या ना? जी सर। अरे यार तू बोली, तो गोनिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस, गोनिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस अमंग नाइट्रोजन कंटेनिंग
सर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होता है कोई? कोई ना, कहाँ होता, कोई होता तो तू साइंटिस्ट से निकाल ले, साइंटिस्ट हो गया तू। सर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ओके अब देखो तुम इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस। अच्छा तो इस पर क्वेश्चन दो, बताओ। सीडी में बताओ स्ट्रॉन्ग इज। देखो इसको गौर से, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको गौर से देखो, NH 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 ये गोनिडीन है, गोनिडीन है, देख लो अच्छे से। अरे बोलो, ये एमिडीन है, ये इधर से एमिडीन है, ये दो एक है, ये पहचान लो। सबसे ज्यादा ए फिर बी फिर डी फिर सी, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन कर आसानी से अवेलेबल है, यहाँ इसकी एमिडीन, ये तो आपको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव्स याद कर लो अच्छे से, NH डबल बॉन्ड NH, देखो ये क्या है, गोनिडीन डेरिवेटिव। ये नहीं कि गोनिडीन सिर्फ NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसका डेरिवेटिव्स ओपन चेन क्लोज चेन में करके समझाएगा। ये दोनों एग्जाम आ चुका है, चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अब आइए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आइए, आप सुनिए अच्छे से। अब एक दूसरा और ऑर्थो इफेक्ट तो बेंजोइक एसिडिक कैरेक्टर का बात कर दिया, अब आइए एक ऑर्थो इफेक्ट है, ये प्रोसेस यहाँ पर G प्लस आई हो या माइनस आई हो कुछ भी हो, एनएनिन ही मोर बेसिक होगा। इस ऐसा ऑर्थोपिक का एक्सप्लेनेशन है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन। ऑर्थोपिक का मतलब यहाँ पर ऐसा याद नहीं, एनिलीन में जो ऑर्थोपिक होगा वो SIP कहलाएगा, क्या कहलाएगा जल्दी बताओ। SIP का फुल फॉर्म स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, बस प्रोटोनेशन को रोकना। ऐसे स्टूडेंट से पूछा जाए बताओ एनिलीन ज्यादा बेसिक है कि टोलिडीन ज्यादा बेसिक है, टोलिडीन का मतलब होता है इस पर, ये मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे सर ये है प्लस आई है बढ़ाएगा तो ये नहीं, एनिलीन ज्यादा उसका रीजन है। हाँ उसका रीजन क्या है, SIP। तो जब भी आप देखिए पूरे एसिडिक बेसिक क्वेश्चन में दो ऑर्थो इफेक्ट याद रहे, एक ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में, वहां एक्सप्लेनेशन है SIR का, NH2 SIR शो नहीं करेगा, ये SIP शो करेगा। तो जब भी आप एसिडिक बेसिक करैक्टर को एक साथ पढ़ें तो इन दो बातों पर जितनी दफा रख पेपर पर रख दें, बाकी 90% क्वेश्चन का आंसर तो एज यूजुअल है। तो
पढ़ने का तरीका ही यही होता है। अब बात असल तरीका यही है केमिस्ट्री में कि इसको देख कर आंसर आप दे दें। अच्छे स्टूडेंट को एक एक रिजल्ट मालूम होना चाहिए उसमें। जब तक उस चीज को आप 10 दफा नहीं पढ़ेंगे, मैं बारह आपको डायलॉग याद देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है कि एक मैथमेटिकल फार्मूले से आप 10 न्यूमेरिकल कर लें। लेकिन यहाँ चीजें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक एक चीज को 10-10 दफा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको परमानेंटली याद होगा। देखते ही माइंड में आ जाएगा यहाँ ऐसा ही नहीं। आप नहीं इसको एक दफा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िए, बाद में आप यही आंसर दे ये होना चाहिए था, तो फिर वो कंपटीशन की तरह ये नहीं, फिर ऐसे नहीं होता। ये सब में बहाना ही नहीं सर, हम भूल गए। आप इसलिए बोला कि आप एक ही दफा पढ़ा दो दफा इसको आपको जान। जैसे एसिडिक बेसिक करेक्टर पढ़ रहे हैं तो अच्छे सुन की क्या पहचान है कि उस एसिडिक बेसिक करेक्टर में कौन ऐसा कंसेप्ट है जो नॉर्मल केस से डिफरेंट है, तो वो दो ही कंसेप्ट है, ऑर्थोफेक्ट बेंजोइक एसिड व्हिच इज कॉल्ड एसआईआर, ऑर्थोफेक्ट इन एनिलीन व्हिच इज कॉल्ड एसआईआर। बाकी कोई एज यूजुअल सबका रिजल्ट आया, कोई एक्सेप्शनल केस वगैरह नहीं। ये तरीका है कि एसिडिक बेसिक को जब भी पढ़ें घर पर तो नॉर्मल क्वेश्चंस के अलावा कौन ऐसा कंसेप्ट है जिस पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए, वो है एसआईपी, वो है एसआईआर। अब देखिए तो व्हाई इट इज, तो मैं इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ, लिखेंगे ऑर्थो substituted aniline is less basic now what are more acidic, less basic than and parameter forms because aniline is less basic than aniline कैसे अब ये टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल हो गया, साइज बढ़ गई, एंगल 109.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यही एनएलए तो अब इसका हम कंजुगेट कैसे बनाएं, देखिए आपको हिंड्रेंस नहीं है, देखिए ये हो गया 3D, ये sp3 3D होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, 1 2 3 4 चार हो गया यहाँ पर जी है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस की वजह से उस दोनों प्रोटोनेशन सही से, ये प्रोटोनेशन का होना, अगर प्रोटोनेशन नहीं होता तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन प्रोटोनेशन के बाद स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, कंजुगेट एसिड बिकम्स अनस्टेबल, क्योंकि इसकी साइज तो बड़ी बढ़ गई तो अब यहाँ पर जी ग्रुप भी आ गया, जी दोनों के बीच में ये रिपल्शन होने लगा, इसका मतलब कंजुगेट एसिड बनना इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, जल्दी बताइए, कंजुगेट एसिड बिकम्स लेस स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल, तो जिसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल हो वो मोर बेसिक हो, चाहे जी पर प्लस आई हो या माइनस आई। अरे बोले हेलो एवरीवन, यस सर। हाँ, लेकिन दो ग्रुप सुनिए अच्छे से, यहाँ पर जी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ओ एच और ओ आर, जी नॉट इज इक्वल टू जी, अगर या मैं लिख ही देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलिए लिख देता हूँ, ये लिख लिया था आप लोगों ने, ये वाला ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया आपने। अब देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो और
अथवा फिर बेंजोइक एसिड में SIR होता है, अथवा फिर टेनिलीन में SIP होता है। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। OH एंड मिथॉक्सी ग्रुप OR अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन। डज नॉट शो इसमें एज यूजुअल ये सब देखिए पहला है सर। ये ऑर्थो इफेक्ट है तो एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट है तो हम समझ जाएंगे यहाँ SIP है। यहाँ केवल प्लस आई है, यहाँ प्लस आई प्लस एच है। सबसे लेस बेसिक तो बी को हम पहले कह देंगे, कोई आपको कंफ्यूज करेगा अरे प्लस आई बढ़ा रहा है कि नहीं SIP है। बाकी बताइए मोर बेसिक बी होगा फिर सी होगा फिर बी होगा, समझ में बात आई? ये इस तरह सतर्क रहना आपको SIP में, खासकर आपको एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट आया ना जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा बेसिक सर डी हुआ है। क्यों क्यों होगा प्लस आई प्लस एस दोनों है ना सर? डी आपने लिखा है ना, डी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हाँ तो सही तो है, प्लस आई प्लस एस दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना। जी ठीक है, होना चाहिए था ऑर्थो को, लेकिन यहाँ पर SIP लगने की वजह से ये लेस बेसिक हो गया। आपको स्टेटमेंट दिखा दिया गया है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक। और लोगों को नहीं समझ में आया? हेलो एवरीवन, सर आ गया। इस क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे, सारी रिएक्शन उसी में आ जाएंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव, सब उसी में आ जाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, यस आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑर्थो पर कोई नहीं है तो एज यूजुअल लगाएंगे, क्योंकि ऑर्थो पर ही SIP लगता है। यहाँ डायरेक्ट आंसर दें, चलिए आंसर तो आसान है। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ही नहीं, पैरा पर सब कुछ एज यूजुअल आंसर दें प्लीज। मोर बेसिक बी फिर ए फिर डी फिर सी, ये आंसर आया होगा? यस सर। बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर, ये ग्रुप है।
आयन है, एनिलीन है तो एसआईपी चेक कर लो, क्या यहाँ पर एसआईपी है, हाँ या ना? सर सबसे सबसे पहले तो बी पार्ट आ जाएगा एनिलीन। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ मोर एसआईपी है दोनों तरफ की वजह से, बी फिर ए फिर सी, फिर सी। जी सर, सबसे लीस्ट बेसिक सी क्योंकि मोर एसआईपी है। जी सर, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये सब पर खास बताया कि सब में कोई नहीं है, 95% क्वेश्चन आपका सिलेबस में एज यूजुअल होगा, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए एसिडिक बेसिक के नाम में करता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी आता है, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्गेनिक, देखिए बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ। एक बात और से सुनिए, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए जितना एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन होगा, प्लीज सुनिए, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब ओरिजिनल्स, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन प्लेस होगा, याद रखो रेजोनेंस होने से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर याद रखना पड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाता है ना, और 50% सिंगल 50% डबल, डबल बॉन्ड कर जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा वो प्योरली डबल बॉन्ड होगा, जहाँ रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा, कभी वो सिंगल में रहना चाहेगा, कभी डबल में, कभी सिंगल कभी डबल कभी सिंगल, ये रूल पहले तो याद रखो। डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटता है। You understand everyone? पर ये लाइन याद रहेगा सबको। Everyone? Yes sir. फिर से जितना resonance होगा, क्यों? पहले देखो जैसे तुम मिसाल लो, जैसे मैं example ही देने से ये लिख लिया तुम लोगों ने तो बताओ आगे बढ़ो। Example. पहले double bond character को देखने से पहले तुम्हें ये बात याद है। जैसे questions देगा इस पर। Comparison bond length of CCL. CCL bond सबसे पहले CS2 block तुम 12th में पढ़े थे विनाइल खाला है, केवल दूसरा CS3 CS2 CS2 CS3 दोनों बेस आप सब पूछेगा किसका CCL bond बड़ा है या छोटा है, तो वो कैसे क्वेश्चन कंप्लीजन का बॉन्ड, तो तुम देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं जल्दी बताओ, जो हो रहा है यहाँ अब बताओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है था लेकिन डबल बॉन्ड, रेजोनेंस कैसे डबल सिंगल होता रहेगा, ठीक है भाई यहाँ तो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बी की बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो, यहाँ प्योर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, ये प्योर सिंगल है, सिंगल की बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा होती है। अब यहाँ देखो यहाँ भी रेजोनेंस तो है लेकिन यहाँ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना डबल बॉन्ड कम होगा, इसका मतलब बी के बाद, अच्छा ये सी है, बी के बाद जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सी की, तो इसमें रेजोनेंस कम है तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, यस सर। आपको यही सब क्वेश्चन देगा कि सीसीएल बॉन्ड ज्यादा में डबल बॉन्ड करेक्टर है कि यहाँ सीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसलिए बी का सबसे ज्यादा। अब यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये 50% सिंगल में रहेगा 50% डबल में, कभी डबल कभी सिंगल, इसलिए प्योरली डबल बॉन्ड तो है भी नहीं लेकिन है डबल बॉन्ड करेक्टर है, रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज इंट्रोड्यूस, तो सब यहाँ भी रेजोनेंस है लेकिन यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा, दैट द रीजन बी के पास सी। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन,
जी सर। सिमिलरली सर जो वो होता है साइक्लोपेंटेन उस पे अगर मतलब क्लोरीन लगा होगा और साइड में डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें उसमें क्या होगा क्या होगा सर? पेंटेन साइक्लोपेंटेन जी सर जी बीच क्लोरीन क्लोरीन वही ना मतलब ये वाला सीसीएल बॉन्ड और लेफ्ट वाले में भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है या जी तो इसमें इसमें क्या फर्क पड़ेगा जैसे ये इसमें तो बिल्कुल सी जो कार्बन था वो डबल बॉन्ड वाले पे लगा यहां भी रेजोनेंस हो रहा है यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है ए डबल बॉन्ड लोन पर ए डबल बॉन्ड बी सी का यहां रेजोनेंस सही नहीं है सी सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है अच्छा ठीक है तो क्यों हो जाएगा रेजोनेंस सही नहीं है रेजोनेंस है इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है लेकिन हमें तो सी सिंगल का पूछा है ना अगर मगर कुछ नहीं होता जो कंसेप्ट है उसी पर सारा क्वेश्चन होगा ई होगा तो क्या होगा डबल जो कंसेप्ट बता दिया गया उसी को दे दिया ओके साइंटिस्ट यस जी सर बॉन्ड एंड कॉल्ड तो सबसे पहले ए वाला आएगा सबसे ज्यादा एक ही होगी क्यों एक ही होगी क्योंकि प्योर वो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगा ना बॉन्ड लेंथ सर आपने कहा था ना प्योर होगी तो सबसे ज्यादा होगी प्योर सिंगल बॉन्ड ये प्योर डबल बॉन्ड यहाँ देखो अच्छा अच्छा तो समझते ही नहीं हो यार कहाँ की बात हो मैंने प्योर सिंगल बॉन्ड था ना ये सिंगल था ना यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है सीसीएल पे प्योर सिंगल है ना यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम हो जाएगी प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल अब यहाँ पर रेजोनेंस है सारे लोग बताओ रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल में हो रहा है जो हो रहा है अब यहाँ देखो रेजोनेंस यहाँ दोनों तरफ से हो रहा है इधर से भी हो रहा है एक तो ये NO2 में भी रेजोनेंस है कि नहीं जल्दी बताओ हाँ या ना यस सर हम इसको इस तरह चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड करेक्टर कम तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी सी की फिर बी की फिर ए ओके रेजोनेंस ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है डबल बॉन्ड करेक्टर घटता है डबल बॉन्ड करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा अरे बोलिए हेलो यस आशुरी मॉम इस हकीकत को समझ क्या देंगे भाई स्कैन कर दें कंपेयर करना ये भी लिखा रहेगा कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी बॉन्ड्स चलिए चेक कर लो क्या दोनों में रेजोनेंस है या
अरे कुछ तो बोलो यार, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, जल्दी बताओ सारे लोग। सर ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्यों? Why? देखिए रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, याद रखिए एन का जो रेजोनेंस है वो ज्यादा है और ए रेजोनेंस। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये थोड़ा नाटक करेगा। रेजोनेंस दोनों कर रहा है, ये जल्दी से यहाँ एक्सटेंट जो मैंने वर्ड लिखा था, यहाँ एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना डबल बॉन्ड करैक्टर कम होगा तो बी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ए से। अरे बोलो ना यहाँ, और रेजोनेंस दोनों में हो रहा है लेकिन ज्यादा अच्छे से, ये खटाक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खटाक से। ये बिहारी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाटक कर रहा है एज कम्पेयर टू। ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई आदमी होता है पड़ोसी में दो आलू दे दीजिए, तो एक आदमी तो हाँ हाँ आइए ये ले लीजिए, एक आदमी हाँ देखते हैं है कि नहीं, वो देना चाह रहा लेकिन थोड़ा नाटक कर रहा है पड़ोसी, भाई हाल ऑक्सीजन का है। बोलो आया समझ में? इसलिए नाइट्रोजन का आसानी से देगा, इसलिए मैंने रेजोनेंस वर्ड नहीं लिखाया था, हमने एक वर्ड लिखाया था रविश कुमार की तरह एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, जितना डीलोकलाइजेशन की रेट ज्यादा हो। This question is very important. कि यहाँ resonating structure equal हो रहा है, दो structure उसमें बनेगा, दो structure इसमें बनेगा, लेकिन nitrogen और आसानी से लोन कर देगा as compared to oxygen. Extent of delocalization. Hello everyone, समझ में बात आई? Yes.